अच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक को ल्यूकोरिया होता ही है ज़्यादा करके। तो ल्यूकोरिया के लिए अपने यहाँ वो बब्बुल का काढ़ा बना के उसका ड्यूस देते हैं और रोपण तेल के पीछे देखते हैं उसके लिए। लेकिन उसका कारण अगर आमाशय में है तो आमाशय शुद्धि करने के बाद ही ठीक लगता है। इसलिए एक वमन, फिर वो त्रिफला गुगुल या कुछ त्रिफला हल्दी ऐसा दे के वो फिर ल्यूकोरिया कम होता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि वो ड्यूस देना और रोपण तेल का पीछू रखना यही ज़रूरी है, तो बहुत लोगों को फायदा होता है। तो चिक्कन सुपारी मालूम है आपको, चिक्कन सुपारी ऐसी तुरट तुरट आती है उसके लिए, तो उसका भी चूर्ण बना के वैसे लोग रखते थे, तो फिर उसका भी बस्ते अगर देते तो तुरंत वो जख्मी ठीक हो जाती है कषाय रस से, और ल्यूकोरिया बहुत तुरंत ठीक हो जाता है। प्रसूति के बाद स्तन विद्रोही हो सकता है, अगर दूध ठीक से निकाला नहीं तो स्तन विद्रोही हो जाता है। स्तन विद्रोही के लिए पहले तो ये देखना है कि आमाशय में दोष है कि नहीं। तो हमने एक प्रसूति के बाद तुरंत 10 दिन के अंदर में एक प्रसूता देखी जिसको दाहिने बाजू को ये विद्रोही हो गया था हलचल वो तो, लेकिन उसका भाई MD डॉक्टर वो बोले कि पकने दो नहीं तो फिर इंजेक्शन देंगे और बैठा देंगे वगैरह ऐसा, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन अगर लेती है तो दूध कम हो जाएगा तो और वांदा हो जाएगा, इसलिए वो ना बोलती थी। तो फिर मैं गया देखा उसको, तो पहले विद्रोधी अचिरोत्थम अश्र विश्रावा ऐसा अचिरोत्थम मुझे अभी विद्रोधी हुआ है तो तुरंत अगर रक्तमोक्षण कर देते हैं तो तुरंत वो बैठ जाता है, ये पहली बात। फिर जब मैंने रक्तमोक्षण किया, प्रसूता को रक्तमोक्षण नहीं करने के चाहिए लेकिन बात है कि अभी विद्रोही हो गया तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ा तो किया मैंने, कि करने के बाद उसको जी मचलने लगा, जी मचलने लगा तो मन किया अच्छा है मुझे आमाशय में दोष है करके इसलिए तो तकलीफ हो रही है ज़्यादा, यानी कि दुष्ट रस दुष्ट होने से तन्न दुष्ट हो गया था उसके लिए विद्रोही था, तो उसको तुरंत वमन दे दिया और वमन के बाद में अच्छी वमन हो गए, फिर त्रिफला गुगुल कुछ दिन देने से वो बैठ गया, फिर उसके लिए ऑपरेशन वगैरह कुछ करना नहीं पड़ा, ये बात है। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी देने नहीं पड़े, ये बात स्तन विद्रोही के बारे में बहुत जरूरी है ऐसा है। स्तन्य कम हो जाता है कभी एकाएक, तो क्यों कम हो गया वो देखना चाहिए, तो इसलिए भूख लगती नहीं क्या, स्रोत्रोत हो गया क्या, वैसे तो भूख लगती है अनाज भी जाता है और स्तन्य कम हो जाता है तो उसका स्रोत्रोत होता है, उसको कभी कभी जीभ मचलता है, तो उसके लिए एक उल्टी अगर दे देते हैं और स्तन्य शोधन काढ़ा करके मिलता है बाजार में, तो पहाड़ मूल सुंठी ये वगैरह उसमें होता है, तो स्तन्य शोधन काढ़ा देने के बाद तुरंत स्तन्य आने लगता है और जो आता है वो भी शुद्ध हो जाता है, शुद्ध आता है तो फिर तकलीफ नहीं होती उससे। कम होने का और कमजोरी ये भी एक, बुखार आता है 2-4 दिन तो फिर स्तन्य एकदम कम हो जाता है, तो उसके लिए बुखार की भी दवा देना है, लेकिन शतावरी कल्प पेट में दूध से देना है, शतावरी टॉनिक देना है, शतावरी चूर्ण देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शतावरी और विदारी ये दो वनस्पति है ज़्यादा देना है, उससे वो स्तन्य भरपूर आता है उसमें कम नहीं होता। विदारी स्तन्य गोखरु शतावरी तारीवा मंजिष्ठा ये पंचकषाय इसे तुरंत तन्य आने लगता है। बच्चा पीता नहीं उसका कुछ कारण होता है, तो स्तन में जो स्तन चुचुक में जो जख्मी होती है या वो कड़क हो जाता है उससे वो बच्चा बिल्कुल नाजुक होते हैं उसके वोट भी तो पकड़ नहीं पाता, उसलिए वो पीता नहीं, तो उसके लिए शहद और एरंडेल छाती को लगा के थोड़ा सा नरम करके रखना वो ज़्यादा जरूरी है। वो तुरंत बच्चे पीने लगते हैं और एक मरतबा वो खींचने लगा कि उसको मालूम हो जाता है कि अभी यहाँ से दूध आता अपना आता तो खींचता है,
नहीं तो उसको मालूम नहीं होता ना, ट्रेनिंग नहीं होती, शुरू में ट्रेनिंग हो जाती है, बाद में ऊपर का दूध अच्छी तरह से मिलने लगा तो फिर वो खींचने को कटारा करता, वो करता नहीं तो फिर तकलीफ देता बच्चे, फिर छोटे बच्चों को भी कितना समझता कि वो अरे अपने आप मिल गया तो फिर तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। तो ये स्तन्य कम करने के लिए, स्तन्य ज़्यादा भी आता है तो कम करने के लिए त्रिफला गुगली देते हैं, त्रिफला गुगली चार चार गुली तीन टाइम पाँच दिन देने से स्तन्य ज़्यादा आता है तो कम हो जाता है, और जो आता है तो शुद्ध आता है। बच्चे को अगर तकलीफ हो गई तो पहले एरंडी का तेल और मध ही देना है, मिला के एक बशी लेना, उसमें एक एरंडेल और तेल मध मिला के एक जीव, ऐसे एक जीव करना है और फिर पिलाना उसको, तो उससे मीठा भी लगता और आसानी से पी जाता, और फिर एरंडेल से जो दोष बाहर जाना चाहिए वो जाते तो भी निकल जाता, खड्डा हो जाती तो तुरंत बच्चा रोने लग रोना रोता है ना तो शांति हो जाता है, उसमें तकलीफ नहीं रहती ऐसा। लेकिन दूध देने से देते ज़्यादा तो संडास होती नहीं कभी कभी, तो इतना बच्चा पेट भर जाता है, थोड़ी थोड़ी संडास होती है, तो उसमें एक स्टेज बताई है वाग्भट ने, वो वासी अपिचात महानुगुरुता शूरस्ता इमित्य कारिणी प्राणदा प्राणदा दूषे विभद्दे संप्रवर्तन, उसके हरितकी देने, थोड़ी थोड़ी हरितकी दिन में से चार पाँच टाइम पाँच छः टाइम अगर अपन शहद के साथ देते तो वो दूध की वजह से जो स्रोतोरोध हुआ है और उसको संडास होती नहीं वो होने लगती है, अभिमान गुरुता शूल ये तीनों लक्षण कम हो जाते हैं और रोना बंद हो जाता है। उसको डायरिया अगर हो गया तो शीतोपराधि चूर्ण देना है, शीतोपराधि से डायरिया तुरंत कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन कम हो जाता है, ये आधा चम्मच शीतोपराधि चूर्ण एक सलाइन की बाटली के बराबर है। खांसी वीसी बच्चों को आती है अगर ज़्यादा, तो खांसी के लिए काली अगर आप मदन दे सकते हैं तो फिर थोड़ा सा मदन चटा दो, उसको उल्टी हो जाएगी और बिल्कुल आराम लगेगा, नहीं तो फिर पिंपरी सेंधव ये भी चटाने से उल्टी हो जाती है उसको, वचा चटाते हैं। बच्चों को हमेशा सुबह वचा और रात में हरी तकी देना ही चाहिए, वो जो बाल गुटी होती है आजी आजी माँ के पास, आजी का बटवा, तो उसमें वचा और हरी तकी ये दोनों बातें होती है, सुबह वचा और रात में हरी तकी दे ही देना, यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरी तकी, अगर ये दे ही देते तो कुछ उसको तकलीफ होती ही नहीं। और कुछ पूछो।